प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC CGL एस्पिरेंट वितरामन के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर, मिसिंग करेक्टर्स, यानी लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इस टाइप्स के आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इन दो संख्याओं से हमें ये संख्या बनानी है, इन दो संख्याओं से ये बनानी है, इन दो संख्याओं से ये संख्या हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे, और इन दो संख्याओं से हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम चार भागों में क्लासीफाई कर लेंगे। इस तरीके से चार भागों में हमने क्या किया, इसको बांट लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसको चार भागों में बांट लिया। बांटने के बाद देखिए क्या करना है हमें, अगर हम 10 में से 6 घटा देते हैं तो 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। ठीक, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे इस वाले पैटर्न में बात कर रहा हूँ, 10 माइनस 6 4 आया, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 8 आ गया। अब इस 8 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कितना होता है, 64 हो रहा है, जो संख्या यहाँ पे आ रही है। ठीक, उसी प्रकार मैं बात करूं आगे, हमको एक जगह पैटर्न पता करना है, फिर हम लुप्त संख्या पे आ जाएंगे ज्ञात करने, अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तब। ठीक, तो देखिए 11 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो बचेगा 6, क्लियर, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 12 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 144, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, एक आपने देखा क्या पैटर्न था, दूसरे में आपने अप्लाई कर दिया, लुप्त संख्या हमारी आगे 144 यहाँ पे होगा। ठीक, अब इसमें भी आप कर सकते हैं, 7 माइनस 7 0, 0 गुणे 2 0, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 0 ही आएगा। ऐसे 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका आएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।